वार्ड पार्षद आशा शर्मा की ओर से सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। हिमाचल में शराब से जुड़े कारोबारियों ने घाटे को लेकर सरकार द्वारा कोई सुनवाई नहीं होने पर ठेके बंद करके उसकी चाबियां एक्साइज एंड टैक्सेशन विभाग को सौंपने की चेतावनी दे दी है। शनिवार को पूरे प्रदेश से शराब के ठेकेदार एक्सईएन विभाग पहुंचे और कमिश्नर से मिले और लाइसेंस फीस देने के लिए 2 महीने की मोहलत देने की गुहार लगाई। वहीं कमिश्नर ने मुख्यमंत्री के समक्ष ये मामला रखने का आश्वासन दिया। आज कमिश्नर साहब से हमने ये मांग की कि ड्यू टू डिजास्टर जो हमारा लॉस हुआ है उसके लिए हमें 2 महीने का टाइम दिया जाए। हमारा 60% कम सेल हुई है, उसको पूरा करने के लिए जो है हमें 2 महीने का एक्स्ट्रा टाइम दिया जाए। 2 महीने किस तरह से मांग रहे हैं, क्या माफ करने अटैक माफ मांग रहे हैं? नहीं, ऐसा है, हमारा कॉन्ट्रैक्ट होता है अप्रैल टू मार्च, तो मार्च 24 में हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा। उसके जो हमारा लॉस बरसात में हुआ उस लॉस को पूरा करने के लिए अप्रैल और मई 2 महीने का एक्स्ट्रा टाइम जैसे हमें कोरोना काल में मिला था वैसे एक्सटेंड किया जाए, वो वैसे हमें एक्स्ट्रा टाइम दिया जाए। हाँ जी, हाँ जी, नहीं नहीं नहीं, लाइसेंस की फीस नहीं, हम लोग आगे काम करें। जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है लाइसेंस फीस है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरी 61 करोड़ रुपए है तो हम देंगे। हाँ, 2 महीने का ज्यादा काम करने का राहत मांग रहे हैं। बाकी दूसरा हमारा ये है कि इन्होंने हमें पहले रात इसमें दी थी, टाइम एक्सटेंशन दिया था, इस महीने की फीस अगले एक महीने, इस महीने की फीस जो अगले महीने में जमा करवा देना, नोटिफिकेशन हुई थी। हम ये कहते हैं कि हमने उस हिसाब से करवा दी, लेकिन हमारी जो एक्सटेंशन दी थी अब 2 महीने की इकट्ठी फीस हो गई, तो उसमें ठेकेदार जो है इकट्ठी देने के लिए जो है वो असमर्थ हैं, और हमने उनसे ये गुजारिश की कि हमें थोड़ा और टाइम दिया जाए जिससे जो है हम गवर्नमेंट की एक्साइज फीस दे सकें। अगला कदम क्या रहने वाला है? तो हमारा वो ये फाइनल, अगर नहीं मानती है तो लास्ट में जो है पूरे हिमाचल के जो ठेकेदार हैं वो अपने ठेके को क्लोज करके चाबियां गवर्नमेंट एक्साइज को जो है वो। और आज कितने ठेकेदार हैं हिमाचल प्रदेश, दोनों कितने ठेके हैं? 90 ठेकेदार हैं, यूनिट बहुत टोटल है, 87 आए हुए। और आज कमिश्नर साहब ने हमारी बात जो बहुत सही ढंग से सुनी और उन्होंने हमें प्रॉपर तरीके अवश्य कहा कि आपको हम कुछ ना कुछ आपके लिए करेंगे। इसके लिए हम माननीय कमिश्नर एक्साइज यूनुस खान जी का बहुत ही स्वागत करते हैं कि उन्होंने तय दिल से हमारी बात सुनी और समझा कि जो जो हमारी प्रॉब्लम्स है, उन्होंने बोला कि आपको हम, आप निश्चिंत रहो, जैसे ही सीएम साहब दिल्ली से आएंगे हम आपकी बात पहुंचा देंगे, बाकी जो डिसीजन है वो तो कैबिनेट ने करना है, तो हम कैबिनेट से भी, जो कैबिनेट है जो हिमाचल प्रदेश की, हम उसको यही चाहते हैं प्लीज़ हमारे बारे में सोचा जाए। हम आज तक कभी भी नहीं आए हैं, आज पहली बार आए हैं, इसलिए हम कंसर्निंग डिपार्टमेंट कमिश्नर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने हमारी बात सुनी, बहुत धन्यवाद, थैंक्स। कितनी फीस है आपकी जो जमा होनी है? मेरी पर्सनल टोटल हर यूनिट की 2 से 3 महीने का डिफरेंस है और लगभग जो है वो 225 करोड़ रुपए जो है पर मंथ सब ठेकेदार की फीस बनती है। 2600 करोड़ को आप 12 से डिवाइड कर लो। आपदा के समय सर सेल कितनी हुई आपदा के समय में? सेल हम 60% जो है वो डाउन हुई, 40% ही हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।